हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका नाम है ज्ञान की डगर। इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के मामले में कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। असली कहानी लेकर था तो मैं कहाँ भग रहा हूँ, आप कहानी शुरू तो करो। तू ही तो भग रहा है। मजा आ रहा है भगने में। बुद्धि मजे लेते रहेगा या दादा को कोई मजे हो जाए। तो शुरू की जाए कहानी। हाँ जी, अंधियारे से बड़ा। अंधियारे से बड़ा दीपक। दीपक से बड़ा। दीपक से बड़ा चांद। चांद से बड़ा। चांद से बड़ा सूरज। सूरज से बड़ा। सूरज से बड़ा जीवन। ये जीवन सबका सिरमौर। कहते हैं कि रेगिस्तान की बातें रेत की तरह महीन और बारीक होती है। भगवान उस गडरिये की तरह सभी को सहज मन और बुद्धि दे कि धूप और चांदनी के सिराबोर गिनी 60 टीलों के बीच एक विशेष टीला था जहाँ हर वर्ष शानदार मेला लगता था। वहाँ से चार खेतों की दूरी पर एक नदी थी। नदी का पार्ट सबने जोड़ा था। कैसे भी हल्की भरी बरसात हो, साल में एक बार तो नदी आती ही थी। उस विशेष टीले का ऐसा ही चमत्कार था। एक बार एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराता हुआ मेले के दौरान वहाँ पर पहुँचा। मेले तो अपने अनुसार चारा चलने लगी, लेकिन गडरिया वहाँ का लोगों का जमावड़ा देख हैरान ही हो गया। सुना है उपदेशक पानी में घुटते ही आग लगाते हैं। आग नहीं लगाते, उनके चूल्हे से पानी ठंडा भर भर जाता है। तूने देखा है क्या? अरे देखा तो नहीं पर सुना जरूर है। अच्छा मेरे देखते भी क्या? सुना है मुर्दे में जान फूकते थे। हाँ हाँ तू मर के देख ले। भेड़ों का झुंड तो समझ में आता है, मगर मनुष्य को इस तरह झुंड बनाने की क्या जरूरत। जिज्ञासा के पास हटके किले के पास खड़ा हुआ है। किले पर बैठा एक बूढ़ा उपदेशक लोगों को उपदेश बना रहा था। आगे बढ़ रही है, कई किले तो कई पहाड़, कई जंगल तो कई उजाड़, कई नदियाँ तो कई झरने, कई रेगिस्तान तो कई समंदर। खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ खुदा की खुदाई को, यहाँ से 5 कदम दूर है। बिना जांच पड़ताल के हर्षम बात, यदि मेरी बात गलत साबित हो तो मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। अरे भैया, जब बड़े बड़े ज्ञानी खुदा की खुदाई को नहीं जान सकते तो तुम्हारी औकात ही क्या है? तो वो पैसों को जब सब जगह नहीं चल सकते, बेकार का दिमाग। यदि ऐसी बात है तो शर्त लगा के देखो, तुम में हिम्मत हो तो। अरे शर्त लगाने लायक तुम्हारी हिस्सा क्या है? अरे भैया, दमड़ी की लाठी पर तो सर नहीं लगी जाती। ये दमड़ी की लाठी तुम लोग देख रहे हो, इसी लाठी से मैं 1000 भेड़ों को मजे से चढ़ाता हूँ। यदि तुम्हें शर्त आया तो मैं ये दमड़ी की लाठी भी तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे पास शर्त लगाने के लिए क्या है? ये 1000 मोरों की थैली है। यदि मैं शर्त हार गया तो इनमें से 100 मोरे तुम्हें दे दूंगा। देख तुझे खुदा की खुदाई पता नहीं पड़ेगी। वाह, ये भी कोई छुपाने की चीज है। चलो मैं दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। गाडरिया ने कहा दिखाई, चलो देखे खुदा की खुदाई। गाडरिया ने हमने सब पीछे साइड, चलो देखे खुदा की खुदाई। ये क्या है? तो आगे गडरिया बीच में उपदेशक, पीछे बूढ़ी भीड़। 1000 भेड़ों का हिसाब लगा तो उपदेशक गडरिया के साथ चलने लगा। नदी में कई कई गड्ढे भरे थे। बजरी से चमकता पाठ भूना चौड़ा दिख रहा था। ऊंचे कगार पर खड़े होकर गडरिया ने पाठ की ओर लाठी उठा से पूछा, ये क्या है? ये किसने खुदाई? ये नदी के तुम लोगों ने खुदाई? अरे दो तो किस गांव के मालिक ने खुदाई? नहीं भैया, बेचारे मालिक की क्या होगा जो ऐसी नदी खुदा। अरे नहीं नहीं, तो माइक में बोलो, माइक में। अरे इनका चेहरा तो देखिए, चुप क्यों है, बोलिए। हाँ, मेरे चेहरे की तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो तुम? ऐसे थोड़ा ना विचार करो कि मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। थोड़ी बहुत तो शर्म की होती। शर्म किस बात की? यदि मैं सर उठा रहा तो तुम्हारा सर और मेरी जूती, मतलब मेरा सर और तुम्हारी जूती। मगर साफा उतारना होगा। अरे बात, साफा तो उतारना ही पड़ेगा। यदि सूरज को नदी पर उतारकर नहीं बताया तो 100 मोहरों के साथ ये सारी भेड़े मुझे सौंपनी होगी, और यदि मैं सर हार गया तो इनमें से 200 मोहरे और तुम्हें दे दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ।
ये क्या है? सूरज भला दिन के, अरे सूरज है क्या चांद? भला दिन के समय चांद कैसे हो सकता है? हाँ हाँ कैसे हो सकता है? तुम भैया तुम एक इतना भी नहीं जानते हो? मैं मेरी भेड़ और कुदरत के सिवा ना ही कुछ जानता हूँ ना ही जानना चाहता हूँ। ये बचपन में सीख लिया था मैंने सूरज को जमीन पे लाना था। ये तो हर कोई जानता है, मैं भी जानता हूँ। तो फिर शर्ट क्यों लगाई थी? अब आगे फैसला करो कौन जीता और कौन हारा। मैंने तेरे कहे गए 3 बार शर्त लगाई और मैं 3 बार हारा जिसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। पछतावा है पर थोड़ा सा। अब एक शर्त तुम मेरे कहने पर लगा। तुम्हें लगा कि मैं आनाकानी करूंगा? नहीं, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त थोड़ी अच्छी लगाना। सूरज को जमीन पर उतारने वाले करामती के लिए तो यह एकदम आसान मसला है। यदि मैं शर्त हार गया तो इनमें से 300 मोहरे और तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुम शर्त हार गए तो 300 मोहरों के साथ ये सारी भेड़े मुझे सौंपनी होगी। बता इस धरती का केंद्र बिंदु कहाँ है? मैं तुम्हारे मन का भेद पहले ही जान गया था, इसलिए मैं धरती के केंद्र बिंदु पर खड़ा हूँ। हे कोई बहन को देख लो, हे कोई बहन, हे कोई बहन। अरे बचपन सही है, दिल लगी है, अब रोना बंद करो। आज तेरी संगत से मुझे नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, आंखों की धुन छटी है। अब 100 मोहरे तुम्हें अपनी मर्जी से भेंट करना चाहता हूँ, मना मत करना। नहीं नहीं, अभी मैं 100 मोहरे नहीं ले सकता। 6 महीने बाद मेरी बच्ची का गोना है, मैं 11 मोहरे मन से मांग लेता हूँ। भरा दिल में उतरी हुई बात सपने में भी नहीं बोलती, जरूर आऊंगा।